मुझे अच्छे से याद है, मेरे ख्याल से पिछली ईद की बात है। अब आपको पता है ना, चांद रात पर आप जाते हैं, मतलब मार्केट में आप ख्वातीन मेहंदी लगा रही हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं, तो उस पर होता है। तो मैं 9 बजे का बुलेटिन था, मैं कर रही थी बाहर से ही ना, मैं लिबर्टी मार्केट से कर रही थी। मैंने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, वहाँ होता तो है काफ़ी इकट्ठा, मतलब एक भीड़ लग जाती है आपके इर्द गिर्द के, भाई वो देखने के लिए लोग वैसे ही आ जाते हैं। वो मैंने जब स्टार्ट किया, मैं बात कर रही हूँ तो एक करके दिखाएं पूरा जी, मतलब ओवर टू यू जी, बताइए लबीबा, आप बाहर मार्केट में बताइए। एक्चुअली एक पीछे से खातून थी ना, जिन्हें वो मैं बता आपको ये सकते, मतलब जो हुआ मेरे साथ मैं वो बता रही हूँ आपको। हाँ। मैं तो बता रही थी बड़ी मतलब शौक से, लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं, चूड़ियों के स्टॉल पर ज्यादा रश है, चूड़ियां खरीद रही हैं और रंग बिरंगे साथ जेवरात की भी आपको पता है कि मैचिंग लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं और वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कि हम सबसे ज्यादा अच्छी नजर आए। वो मैं ऐसे बड़े बड़े शौक और जौक से लगी हुई और शोर से, मतलब अपने जोश दिखा रही हूँ। पीछे से एक अम्मा थी, ऐसे बुक्कल डाला हुआ आई, आगे से कहती है, एकदम से धक्का देखती है, परा तू तो परा हो, लाइव जा रही हूँ मैं। मैंने एक दूसरे से देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे और मैंने कहा देखिए कितना आपको जोश और खरोश नजर आ रहा है। मैं एकदम से अपने आप को भी करने लगी, मैं पूरी, उन्होंने इतनी जोर की, तू तो परा होना चाहिए, मुझे शायद पता नहीं चला या कुछ भी नहीं, तो मैं पूरा हिल के रह गई ना। मैं कहा देखा कितना आपको जोश और वलवला नजर आ रहा है, जोश और वलवला जो आपका था, तू फिर भी परा नहीं हुई। मैं कैसे परा हो सकती थी, मैं लाइव जा रही थी शर्मिंदा। अब वही बफंबल वाली बात है ना, वो शर्मिंदगी में अपने आप को भी फिर उस टाइम पे कवर करना पड़ता है। मुझे पहली बार अपना जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मतलब हो गई कि मतलब जितनी न्यूज होनी चाहिए उससे थोड़े से ज्यादा वर्डिंग हो जाती है। जैसे बड़ी ईद आती है, कहते हैं देखिए बड़ी ईद है, आमद है, शहर में बहुत गहमा गहमी है, लाहौर पूरा सजा हुआ है, बकरे बहुत खुश हैं। हाँ एक्साइटेड, हाँ ना एक्साइटमेंट, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, हाँ एक्साइटमेंट में वो लफ्जों का चुनाव समझ नहीं आ रही होती है ना उस टाइम पे, अपनी एक्साइटमेंट भी साथ ही बकरों के एक्साइटमेंट के साथ। बकरे आपस में क्या सोच रहे हैं, ये खड़े क्या बातें कर रहे हैं, बकरे वाले से पूछते हैं कि तेरी पहले आएगी बारी है मेरी। तो बस वो अपने आप को मैं बता रही थी कि न्यूज में ना कवर करना सबसे बड़ी बात होती, चाहे वो फंबल हो चाहे वो कुछ भी हो। तो वो एक इंटरेस्टिंग, ऐसा इंटरेस्टिंग था, वो भी लाइव चलता हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं भूलती नहीं हूँ।